हेलो फ्रेंड्स, आपका श्री अनंता ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम साइंस सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रेशा और तंतु टॉपिक से रिलेटेड हैं। अब मैं शुरू करती हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा था रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 2, रेयॉन की खोज कब तथा किसने की? इसका उत्तर है 1884 में प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, रेशम की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? रेशम की खोज सर्वप्रथम हुई थी चीन में। इसका उत्तर है चीन। क्वेश्चन नंबर 4, कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? कपास का जन्मदाता देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 5, लिनन के तने से सर्वप्रथम वस्त्र कहाँ पर बनाए गए थे? इसका उत्तर है मिस्र में। फ्लीस ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? फ्लीस ऊन मेमनों से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है रेशम, वस्त्रों की रानी रेशम है। क्वेश्चन नंबर 8, अलसी का तेल किसके बीज से निकाला जाता है? इसका उत्तर है लीनन के बीज। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? कृत्रिम रेशम रेयॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे श्रेष्ठ किस्म का ऊन किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर है मेरिनो भेड़। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा रेशा ऐसा है जिसमें गंधक पाई जाती है? हर रेशे में गंधक नहीं पाई जाती है, जिसमें पाई जाती है वो है ऊन। इसका उत्तर होगा ऊन। क्वेश्चन नंबर 13, किसके कीट बबूल के वृक्षों पर पलते हैं? इसका उत्तर है टसर रेशम। क्वेश्चन नंबर 14, कपास के तंतु का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है C6H10O5। क्वेश्चन नंबर 15, किस रेशे का उपयोग अग्निरोधी वस्त्र बनाने में करते हैं? एस्बेस्टस, एस्बेस्टस का प्रयोग अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए जो जलवायु उपयुक्त होती है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य लीनन का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उत्तर है लीनन यूसीटेरिशियम। क्वेश्चन नंबर 18, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को किस स्थिति में मार दिया जाता है? इसका उत्तर है क्राइसिल। क्वेश्चन नंबर 19, नायलॉन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है डॉक्टर W.H. Carothers। क्वेश्चन नंबर 20, विस्कोस एवं कुप्रामोनियम क्या है? इसका उत्तर है रेयॉन निर्माण की विधियां। क्वेश्चन नंबर 21, रुमाल किस प्रकार के रेशे से बनते हैं? इसका उत्तर है लीनन के रेशे, क्योंकि लीनन शीघ्रता से जल को अवशोषित कर लेता है और शीघ्र ही उसको उत्सर्जित भी करता है, मतलब रुमाल जल्दी सूख भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है तृतीय। क्वेश्चन नंबर 23, किसके अंतर्गत वस्त्रों को चमकदार एवं लहरदार बनाया जाता है? इसका उत्तर है मोयरिंग। क्वेश्चन नंबर 24, गीली अवस्था में ऊन की दृढ़ता कितने प्रतिशत कम हो जाती है? इसका उत्तर है 25%, 25% कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं? इसका उत्तर है कुटाई,
ब्रशिंग, तय लगाना, कैलेंडरिंग, एम्बॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 26, खतौनी रोजनाते से खाते में प्रत्येक लेन देन के लिखने की क्रिया का क्या कही जाती है, इसे क्या कहता है, खतियान। क्वेश्चन नंबर 27, वस्त्र को अग्नि अवरोधकता के लिए किस में डुबोया जाता है, इसका उत्तर है बोरिक अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 28, ताप सुनम्य रेशे किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं, ताप सुनम्य रेशे बनाए जाते हैं कृत्रिम विधि द्वारा, इसका उत्तर है कृत्रिम विधि। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में जल अवरोधक वस्त्र बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, एल्यूमिनियम का साबुन का घोल। क्वेश्चन नंबर 30, उत्साह, आशा, साहस तथा अतिथि सत्कार की भावना को जागृत करता है, इसका उत्तर है नारंगी रंग। अब यहाँ पे मैंने आपको फिर से टेबल बनाई हुई है, उसे आप सही से देखिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, इसको सुमेलित करना है, क्षारीय प्रभाव किस पे पड़ता है, सूती तंतु पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। रंग का प्रभाव ऊन व रेशम में ज्यादा होता है। विरंजन का प्रभाव सफेद सूत पर। जीवाणु का प्रभाव सूती वस्त्र पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 32, कपड़े का किनारा क्या कहलाता है, कपड़े के किनारे को सेल्वेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, सनफ्राइज्ड वस्त्र किसे कहते हैं, इसका उत्तर है सिलेंडर द्वारा निर्मित वस्त्र को। क्वेश्चन नंबर 34, रेशम के कीड़ों का जीवन कितने समय का होता है, इसका उत्तर है 2 महीने। क्वेश्चन नंबर 35, बिलाई करने का क्या अर्थ है, बिलाई करने को कहा जाता है बीजों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 36, रोविंग क्या है, अब रोविंग को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये खींचने की एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं रोविंग। क्वेश्चन नंबर 37, वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए क्या करना चाहिए, वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए ब्लीचिंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, वस्त्रों पर चमक लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, तो इसका उत्तर है कैलेंडरिंग। क्वेश्चन नंबर 39, वस्त्रों में मजबूती लाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, वस्त्रों में मजबूती लाने के लिए मर्सराइजिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकतर गठित धागे किससे बनाए जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, काउंट लेरे डी शार्डोनेट कौन थे, इसका उत्तर है इनको रेयन का पिता कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा पहला रेशा नाइट्रोसेल्युलोज बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, स्पिनिंग जेन नामक नई मशीन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स कब किया था, 1764 में। क्वेश्चन नंबर 43, कड़ा व खुरदुरा रेशा किसका होता है, इसका उत्तर है नारियल का। क्वेश्चन नंबर 44, कांटेदार पौधे से किस प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं, इसका उत्तर है रेमी। क्वेश्चन नंबर 45, सन नामक रेशा किस उद्योग के लिए उपयोगी है, इसका उत्तर है कागज उद्योग में ये उपयोगी रेशा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, कपास के जीवन से संबंधित पहले से बाद के रूप में क्रम अनुसार बताएं, इसका क्रम बताना पड़ेगा जो इस प्रकार है, भूमि व जलवायु, बीज बोना, पौधे का विकास, चुनाई व संग्रह। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा तंतु ठोस, पारदर्शी व सीधा होता है, इसका उत्तर है हेम तंतु ठोस, पारदर्शी और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 48, रेशों को उनके गलनांक ताप के घटते क्रम में सजाएं, इसका उत्तर होगा लीनन, फिर कपास, उसके बाद रेयन, एसीटेट, पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर जो है वो लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 49, प्रेस परिसज्जा हेतु तंतुओं को उनके ताप द्वारा सही सुमेलित कीजिए, और फिर यहाँ पे टेबल बनी हुई है, उसको आप ताप किसका कौन सा ताप होता है वो बताया गया है किसमें वो रहते हैं।
कपास का है 218 डिग्री सेल्सियस, ऊन 149 डिग्री सेल्सियस, रेशम 149 डिग्री सेल्सियस, जो ऊन का है वही रेशम का भी है, लिनन 232 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैं लास्ट क्वेश्चन बता रही जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, लिनन के बीज कब बोए जाते हैं? इसका उत्तर है अप्रैल व मई में। आपको मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस बताए हैं जो होम साइंस से रिलेटेड हैं, आप इनको पढ़िए और अपने एग्जाम्स में इसको याद करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए।